भगवान श्री राम की असीम कृपा से अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का काम तेजी से बढ़ रहा है। नियत काल में मंदिर का कार्य पूर्ण होगा। निर्माण कार्य की गति में अवरोध उत्पन्न करने की घटना 15 से 20 दिनों में घटी। इसमें कुछ राजनीति और कुछ कथा कथित धर्माचार भी हैं, जिन्होंने आरोप लगाया कि भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में कुछ कानूनी अनियमितताएं हैं, जिसमें आप लोग घोटाला कहते हैं। पिछले 3 दिनों में आकर लगातार अब तक इसी बात की खोजबीन करता रहा। अपने 7 वकीलों को लेकर आया और सारे न्यासी बंधु भी आए। भूमि संपादन का कार्य किया गया, उसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई। हम जो भी मंदिर दुनिया के सामने खड़ा करना चाहते हैं, वह निश्चित रूप से दुनिया में सबसे बड़ा स्थान होगा। मंदिर के आसपास परकोट के निर्माण के लिए हमारे पास भूमि नहीं थी। भूमि संपादन के कार्य में भ्रष्टाचार घोटाले जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, आरोप लगाया गया, लिहाजा इस पर प्रकाश डालना अनिवार्य था। जो कि भूमि खरीदी गई पूरे विधि विधान और कानूनी के अनुसार किया गया। जो कुछ भी भूमि ग्रहण में किया गया, वह सब आज के अयोध्या जी के बाजार भाव में इतने अथवा उससे कम में भी लिया गया। इसलिए जो यह जो भी भ्रमित करने का प्रयास किया गया, उसमें एक दिखाया है। लोगों की मंशा भगवान राम के मंदिर निर्माण के कार्य में बाधा डालने की है। इसलिए ध्यान रखिए कि यह हमारा कार्य वैधानिक रूप से किया गया है। इसमें किसी प्रकार की किसी से व्यवहार नहीं किया गया। कहीं पर भी कानूनी की मर्यादा को भूमि मिल नहीं किया गया। जिन लोगों ने ऐसा आरोप लगाया है, तूल देकर के पूरे देश में एक भ्रम निर्माण करने का प्रयास किया गया। मैं अपनी ओर से आग्रह अनुरोध करता हूँ, राम भक्तों की वाणी से बोलना है, वह विरोध भी है। रामकोट के भीतर इस काम को मैं कहीं भी कोई जमीन नहीं ले सकता। मैं सारे राम भक्तों का आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जिस विश्वास के कार्य हम लोग को सौंपा गया है, उस विश्वास को हम सार्थक कर सकेंगे। आगे भी हम इसके सार्थक रहेंगे, क्योंकि सावधानी से शिथिलता हम लोगों को भी नहीं करनी है। लोगों को भी गर्व होना कि मंदिर का निर्माण कैसे किया गया है। उनकी मानसिकता भ्रामक प्रचार करने की नहीं है। लोगों के मन में राजनैतिक भावनाएं हैं। हम इस प्रकार की बातों को सफल नहीं होने देंगे। मंदिर निर्माण करने में जो अपार गति चलाए रहेंगे, इस मामले में मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहता है। जब कोई व्यक्ति हमसे इस बारे में पूछेगा, तो हम पूरे परिणाम के साथ उसको बताएंगे। जिन लोगों के मन में राजनीतिक उद्देश्य है, उन लोगों का विश्वास आप लोगों तक कीजिए, हम पर विश्वास कीजिएगा। हम समय के भगवान राम मंदिर का निर्माण करेंगे। मीडिया के सवाल पर ट्रेड कोषा अध्यक्ष ने कहा कि अगर हमारी न्याय मंडली रह कहेगी तो हम इन पर कोश करेंगे। नाम अर्थसंघानाम प्रसानां चंद्रसामपि मंगलानां चकर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की असीम कृपा से अयोध्या में भगवान श्री रामलीला के मंदिर के निर्माण का कार्य अबाध गति से आगे बढ़ रहा है और हम लोग निश्चित रूप से अपेक्षा रखते हैं कि नियत काल में यह मंदिर पूर्ण होगा और हमारे प्राणवल्लभ भगवान रामलला अपने भव्य दिव्य स्थान पर विराजमान होंगे। इसके निर्माण कार्य की इस गति में अवरोध करने जैसी कुछ घटनाएं गत 15-20 दिनों में घटी और कुछ लोगों ने, जिसमें कुछ राजनीतिक नेता भी हैं, कुछ तथाकथित धर्माचार्य भी हैं, ऐसे लोगों ने आपत्ति उठाई कि भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के इस कार्य में कहीं तो भी कानूनी अनियमितताएं, जिसे आप लोग घोटाला कहते हैं, ऐसा कुछ तो भी हुआ है। इन बातों को सुनकर के जो लोग जानकार थे, उन पर तो कोई परिणाम नहीं हुआ, वे विचलित तो नहीं हुए, लेकिन सामान्य जनता के मन में प्रसार माध्यमों के कारण और बार बार ऐसा बकने के कारण निश्चित रूप से संभ्रम निर्माण हो गया। अनेक अच्छे अच्छे धर्माचार्यों के भी फोन मुझे आए, सभी का विश्वास था, लेकिन सभी का अनुरोध था कि मैं जाकर के देखूं कि क्या स्थिति है। और मैं गत 3 दिनों से यहाँ पर लगातार
जिस क्षण पहुंचा हूं उससे अब तक इसी बात की खोजबीन करता रहा। मेरे साथ मैं वकीलों को लेकर के आया, लेखापालों को लेकर के आया, हमारे सारे न्यासी बंधु भी दौड़ दौड़ करके आए, हमारे पूज्य पेजावर पीठाधीश्वर महाराज भी आए, हमारे कामेश्वर जी भी पधारे और यहाँ के तो सभी लोग उसमें सहभागी है ही हैं। और इस पूरी खोजबीन में जो कुछ ध्यान में आया वह बतलाते समय मैं आह्लादित हूँ कि जैसा कि हमारा अनुमान था उसी प्रकार यह सब जो कुछ भूमि संपादन का काम किया गया उसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता है ही नहीं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस न्यास के प्रथम बैठक से ही मैं स्वयं एक बात का आग्रही रहा हूं कि हम लोगों को यह भूमि कम से कम 108 एकड़ तक विस्तारित करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस प्रकार का मंदिर दुनिया के सामने खड़ा करना चाहते हैं वह निश्चित रूप से एक प्रभावी और हमारी संस्कृति का विस्तार करने वाला और मनोज्ञ दर्शन कराने वाला मंदिर होना चाहिए। इस प्रकार का उसका विस्तार करना हो तो भूमि की आवश्यकता है, ये एक बात। दूसरी बात, गर्भगृह के आसपास का जो स्थान मंदिर के रूप में हम लोग निर्माण कर रहे हैं उसके चारों ओर जो परकोटा बनना है उस परकोटा के लिए आवश्यक भूमि ही हम लोगों के पास नहीं थी, इसलिए वहाँ का भूमि संपादन करना यह तो अनिवार्य था। ऐसी अनेक बातों को लेकर के भू संपादन करने का कार्य आरंभ किया गया और हमारे यहाँ अयोध्या जी में निवास करने वाले न्यासी मंडल के सभी सदस्यों ने, जिनकी एक समिति बनाई गई, इस कार्य को गतिमान किया। इस कार्य को गतिमान करके और जब यह भूमि संपादन का काम चला तो उसमें कुछ भ्रष्टाचार घोटाले ऐसे शब्दों का प्रयोग करके और लोगों को संभ्रमित किया गया, यह देख करके और हम लोगों ने खोजबीन की है। पहली बात, इस प्रकार की भूमि का ग्रहण करना आवश्यक था, यह हमारे न्यास की आवश्यकता है मंदिर की भव्यता के लिए। दूसरी बात, जो कुछ व्यवहार किया गया वह 100% विधान के अनुसार, कानून के अनुसार किया गया है, इसलिए इसमें अवैधानिक कुछ भी नहीं किया गया, यह हम विश्वास के साथ सारी जांच पड़ताल के पश्चात आपको बतला सकते हैं। तीसरी बात, जो कुछ भी भूमि ग्रहण किया गया है वह भूमि ग्रहण आज के अयोध्या जी के बाजार भाव से जो मूल्य लगेगा उतने में अथवा उसके कम ही कीमत में किया गया है, इस बात को ध्यान में लेना बहुत आवश्यक है। और इसलिए यह लोगों को संभ्रमित करने का जो प्रयास किया गया, इस सारे प्रयासों के पीछे हम लोगों को तो एक ही हेतु दिखता है, एक ही उद्देश्य दिखता है। भगवान रामलला का जो मंदिर बन रहा है उस मंदिर के निर्माण के कार्य में बाधा डालना, इसी प्रकार के उद्देश्य को लेकर के ये लोग कार्यरत हैं। और इसलिए ध्यान में रखिएगा कि ये सारा कार्य वैधानिक रूप से संपन्न हुआ है, इसमें किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं हुआ है और कहीं पर भी कानून की मर्यादा का उल्लंघन भी नहीं किया गया है। यह मैं मेरे साथ आए हुए वकीलों के और लेखापालों के, सीएज के, उनके सबके जांच के बाद में आप लोगों के सामने रख रहा हूं। मुझे एक बात कहनी है, जिन लोगों ने ऐसा आरोप लगाया है, जिन लोगों ने इसी को इतना तूल देकर के पूरे देश में एक भ्रम निर्माण करने का प्रयास किया है, उन लोगों से मेरा आग्रह है, मैं अपनी ओर से तो इसे आग्रह कहता हूँ, अनुरोध भी कहता हूँ, प्रार्थना भी कहता हूँ, लेकिन राम भक्तों की वाणी से बोलना हो तो ये चुनौती भी है। क्या आप इस परिसर में आकर के रामकोट के भीतर कहीं पर भी इससे कम मूल्य में
जमीन लेकर के हम लोगों को प्रदान कीजिएगा, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। लेकिन इस प्रकार का भू संपादन इससे कम में अथवा इतने भी मूल्य पर करना कितना कठिन है, यह रोज कार्य करने वाले हमारे कार्यकर्ता जानते हैं। और इसलिए मैं सारे राम भक्तों को, देश के सारे राम भक्तों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस विश्वास से यह कार्य हम लोगों को सौंपा गया है, उस विश्वास को हम पूर्ण सार्थक करके रहेंगे। अभी भी नहीं हुआ है और आगे भी हम इससे भी अधिक सतर्क रहेंगे, क्योंकि कहीं तो भी थोड़ी सी सावधानी में शिथिलता हम लोगों के भी ध्यान में आती है, वो सावधानी में शिथिलता भी नहीं होगी और एक एक कार्य इस प्रकार पूर्ण होकर के रहेगा कि आप लोगों को भी गर्व होगा कि मंदिर का निर्माण भी इस ढंग से किया जा सकता है। मित्रों, आप आश्वस्त रहिएगा, किसी भी प्रकार से आप अपने मन के भ्रम निर्माण मत होने दीजिएगा। इन लोगों के अंतकरण में यदि राम जी की भक्ति का कुछ भी भाव होता और मंदिर बनने के लिए इनकी सद्भावनाएं होती, तो इन लोगों का कर्तव्य था, इन लोगों का शिष्टाचार था कि वे आकर के हमसे मिलते, हमें कहते, हमें पूछते, आकर के स्वयं कागज देखते और अपना यदि समाधान नहीं होता है तो उसके पश्चात कहीं मीडिया में जाकर के और लोगों के सामने ला करके इन बातों को प्रचारित करते, तब हमें भी आपत्ति नहीं होती। लेकिन इस प्रकार का कोई शिष्टाचार, कोई साधारण भी नैतिक आचार पालन न करते हुए एकदम से धड़ल्ले से इस प्रकार का अपप्रचार करना, यह दिखाता है कि इन लोगों के अंतकरण में कुछ राजनीतिक भावनाएं हैं, इन लोगों के मन में कुछ राम मंदिर के विरोध में कुछ तो भी होता जाए इस प्रकार की भावनाएं हैं। हम इस प्रकार की बातों को सफल नहीं होने देंगे, आप इसका विश्वास रखिएगा। हम लोगों को यह जो मंदिर निर्माण करना है वह अबाध गति से चलता रहेगा। अब इसके बारे में छोटे मोटे प्रश्न आपके मन में भी निर्माण होंगे जो मीडिया में प्रसारित किए गए हैं, उन सारे कागजातों को हमने देखा है, लेकिन मैं उसका किसी भी प्रकार मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहता हूं। इसलिए जब कभी कोई भी अधिकृत व्यक्ति हमसे पूछेगा, हम पूरे के पूरे प्रमाण 100% प्रमाण उनको देंगे, लेकिन वो पूछने वाला कोई तो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अंत में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सारा निवेदन मैंने हमारे पूज्य अध्यक्ष प्रातस्मरणीय महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज के समक्ष जाने के पूर्व पहले भगवान के सामने रख करके, उसके पश्चात उनके पास जाकर के निवेदन करके और आपके सामने बैठ करके भगवान राम जी की साक्षी से ये सारी बातें कर रहा हूं। इसलिए जिन लोगों के मन में राजनीतिक उद्देश्य है और जो लोग राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलने का प्रयास करते हैं, उन लोगों का विश्वास आप कृपा करके मत कीजिएगा, विश्वास रखिएगा, भगवान की कृपा हमारे साथ है और हम लोग निर्बाध गति से आगे बढ़ते हुए समय से भगवान श्री राम के इस मंदिर को पूर्ण करके रहेंगे। जय सिया। जिन लोगों ने भ्रम फैलाया, देखिए मैं आपको बतलाता हूँ, व्यक्तिगत रूप में मेरी ऐसी इच्छा नहीं है कि इस प्रकार की कोई कार्यवाही की जाए, क्योंकि हम तो देखते हैं कि अयोध्या में किसी धोबी ने कुछ तो भी सीता जी माता जी के लिए कुछ कहा था और आज भी वो परंपरा प्रवृत्ति के रूप में जीवित है, तो हम लोगों को उसको इतना तूल देने की मुझे व्यक्तिगत आवश्यकता नहीं लगती है। लेकिन यदि हमारी न्यासी मंडली कहेगी तो उसका विचार भी हम करेंगे। व्यक्तिगत रूप में मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन सब यदि कहेंगे तो मैं उनके साथ रहूँगा। महाराज जी, एक सवाल ये है कि विभिन्न पदाचार्य जो कि बड़े महंत हैं और जाते हैं, वो कहते हैं मंदिर के लिए जमीन खरीदने मेयर उनका मकान आया और वो जमीन, ये सारा मीडिया ट्रायल मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये सारा जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हमें पूछेगी हम पूरा का पूरा बोल देंगे, ये सब मीडिया के विषय नहीं है। जय राम जय राम जय जय राम 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 जय राम
भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की असीम कृपा से अयोध्या में भगवान श्री रामलीला के मंदिर के निर्माण का कार्य अबाद गति से आगे बढ़ रहा है और हम लोग निश्चित रूप से अपेक्षा रखते हैं कि नियत काल में यह मंदिर पूर्ण होगा और हमारे प्राणवल्लभ भगवान रामलला अपने भव्य दिव्य स्थान पर विराजमान होंगे। इसके निर्माण कार्य की इस गति में अवरोध करने जैसी कुछ घटनाएं गत 15-20 दिनों में घटी और कुछ लोगों ने, जिसमें कुछ राजनीतिक नेता भी हैं, कुछ तथाकथित धर्माचार्य भी हैं, ऐसे लोगों ने आपत्ति उठाई कि भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण की इस कार्य में कहीं तो भी कानूनी अनियमितताएं, जिसे आप लोग घोटाला कहते हैं, ऐसा कुछ तो भी हुआ है। इन बातों को सुनकर के जो लोग जानकार थे उन पर तो कोई परिणाम नहीं हुआ, वे विचलित तो नहीं हुए, लेकिन सामान्य जनता के मन में प्रसार माध्यमों के कारण और बार बार ऐसा बकने के कारण निश्चित रूप से संभ्रम निर्माण हो गया। अनेक अच्छे अच्छे धर्माचार्यों के फोन मुझे आए, सभी का विश्वास था, लेकिन सभी का अनुरोध था कि मैं जाकर के देखूं कि क्या स्थिति है। और मैं गत 3 दिनों से यहाँ पर लगातार जिस खंड पहुंचा हूँ उससे अब तक इसी बात की खोजबीन करता रहा। मेरे साथ मैं वकीलों को लेकर के आया, लेखापालों को लेकर के आया, हमारे सारे न्यासी बंधु भी दौड़ दौड़ करके आए, हमारे पूज्य पेजावर पीठाधीश्वर महाराज भी आए, हमारे कामेश्वर जी भी पधारे और यहाँ के तो सभी लोग उसमें सहभागी है ही है। और इस पूरी खोजबीन में जो कुछ ध्यान में आया वह बतलाते समय मैं आह्लादित हूँ कि जैसा कि हमारा अनुमान था उसी प्रकार यह सोच बतलाता हूँ। व्यक्तिगत रूप में मेरी ऐसी इच्छा नहीं है कि इस प्रकार की कोई कार्यवाही की जाए, क्योंकि हम तो देखते हैं कि अयोध्या में किसी धोबी ने कुछ तो भी सीता जी माता जी के लिए कुछ कहा था और आज भी वो परंपरा प्रवृत्ति के रूप में जीवित है, तो हम लोगों को उसको इतना तूल देने की मुझे व्यक्तिगत आवश्यकता नहीं लगती है। लेकिन यदि हमारी सारी न्यासी मंडली कहेगी तो उसका विचार भी हम करेंगे। व्यक्तिगत रूप में मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन सब यदि कहेंगे तो मैं उनके साथ तकरार मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये सारा जब कॉम्पिटेटिव अथॉरिटीज हमें पूछेगी हम पूरा का पूरा बोल देंगे, ये सब मीडिया के विषय नहीं। के भी ध्यान में आती है वो सावधानी में शिथिलता भी नहीं होगी और एक एक कार्य इस प्रकार पूर्ण होकर के रहेगा कि आप लोगों को भी गर्व होगा कि मंदिर का निर्माण भी इस ढंग से किया जा सकता है। मित्रों आप आश्वस्त रहिएगा, किसी भी प्रकार से आप अपने मन के भ्रम निर्माण मत होने दीजिएगा। इन लोगों के अंतकरण में यदि राम जी की भक्ति का कुछ भी भाव होता और मंदिर बनने के लिए इनकी सद्भावनाएं होती तो इन लोगों का कर्तव्य था, इन लोगों का शिष्टाचार था कि वे आकर के हमसे मिलते, हमें कहते, हमें पूछते, आकर के स्वयं कागज देखते और अपना यदि समाधान नहीं होता है तो उसके पश्चात कहीं मीडिया में जाकर के और लोगों के सामने ला करके इन बातों को प्रचारित करते, तब हमें भी आपत्ति नहीं होती। लेकिन इस प्रकार का कोई शिष्टाचार, कोई साधारण भी नैतिक आचार पालन न करते हुए एकदम से धड़ल्ले से इस प्रकार का अपप्रचार करना, यह दिखाता है कि इन लोगों के अंतकरण में कुछ राजनीतिक भावनाएं हैं, इन लोगों के मन में कुछ राम मंदिर के विरोध में कुछ तो भी होता जाए इस प्रकार की भावनाएं हैं। हम इस प्रकार की बातों को सफल नहीं होने देंगे, आप इसका विश्वास रखिएगा। हम लोगों को यह जो मंदिर निर्माण करना है वह अबाध गति से चलता रहेगा। अब इसके बारे में
छोटे मोटे प्रश्न आपके मन में भी निर्माण होंगे जो मीडिया में प्रसारित किए गए हैं। उन सारे कागजातों को हमने देखा है, लेकिन मैं उसका किसी भी प्रकार मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहता हूं। इसलिए जब कभी कोई भी अधिकृत व्यक्ति हमसे पूछेगा, हम पूरे के पूरे प्रमाण 100% प्रमाण उनको देंगे, लेकिन वो पूछने वाला कोई तो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अंत में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये सारा निवेदन मैंने हमारे पूज्य अध्यक्ष तत्स्मरणीय महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज के समक्ष जाने के पूर्व पहले भगवान के सामने रख करके, उसके पश्चात उनके पास जाकर के निवेदन करके और आपके सामने बैठ करके भगवान राम जी की साक्षी से ये सारी बातें कर रहा हूं। इसलिए जिन लोगों के मन में राजनीतिक उद्देश्य है और जो लोग राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलने का प्रयास करते हैं, उन लोगों का विश्वास आप कृपा करके मत कीजिएगा, विश्वास रखिएगा, भगवान की कृपा हमारे साथ है और हम लोग निर्बाध गति से आगे बढ़ते हुए समय से भगवान श्री राम के इस मंदिर को पूर्ण करके रहेंगे। जय सिया। जिन लोगों ने उसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता है ही नहीं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस न्यास के प्रथम बैठक से ही मैं स्वयं एक बात का आग्रही रहा हूं कि हम लोगों को यह भूमि कम से कम 108 एकड़ तक विस्तारित करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस प्रकार का मंदिर दुनिया के सामने खड़ा करना चाहते हैं, वह निश्चित रूप से एक प्रभावी और हमारी संस्कृति का विस्तार करने वाला और मनोज में दर्शन कराने वाला मंदिर होना चाहिए। इस प्रकार का उसका विस्तार करना हो तो भूमि की आवश्यकता है, एक बात। दूसरी बात, गर्भगृह के आसपास का जो स्थान मंदिर के रूप में हम लोग निर्माण कर रहे हैं, उसके चारों ओर जो परकोटा बनना है, उस परकोटा के लिए आवश्यक भूमि ही हम लोगों के पास नहीं थी, इसलिए वहां का भूमि संपादन करना यह तो अनिवार्य था। ऐसी अनेक बातों को लेकर के भू संपादन करने का कार्य आरंभ किया गया और हमारे यहाँ अयोध्या जी में निवास करने वाले न्यासी मंडल के सभी सदस्यों ने, जिनकी एक समिति बनाई गई, इस कार्य को गतिमान किया। इस कार्य को गतिमान करके और जब ये भूमि संपादन का काम चला तो उसमें कुछ भ्रष्टाचार घोटाले ऐसे शब्दों का प्रयोग करके और लोगों को संभावित किया गया, यह देख करके और हम लोगों ने खोजबीन की है। पहली बात, इस प्रकार की भूमि का ग्रहण करना आवश्यक था, यह हमारे न्यास की आवश्यकता है मंदिर की भव्यता के लिए। दूसरी बात, जो कुछ व्यवहार किया गया वह 100% विधान के अनुसार, कानून के अनुसार किया गया है, इसलिए इसमें अवैधानिक कुछ भी नहीं किया गया, यह हम विश्वास के साथ सारी जांच पड़ताल के पश्चात आपको बता सकते हैं। तीसरी बात, जो कुछ भी भूमि ग्रहण किया गया है वो भूमि ग्रहण आज के अयोध्या जी के बाजार भाव से जो मूल्य लगेगा उतने में अथवा उसके कम ही कीमत में किया गया है, इस बात को ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और इसलिए यह लोगों को सम्मानित करने का जो प्रयास किया गया, इस सारे प्रयासों के पीछे हम लोगों को तो एक ही हेतु दिखता है, एक ही उद्देश्य दिखता है, भगवान रामलला का जो मंदिर बन रहा है उस मंदिर के निर्माण के कार्य में बाधा डालना, इसी प्रकार के उद्देश्य को लेकर के ये लोग कार्यरत हैं। और इसलिए ध्यान में रखिएगा कि ये सारा कार्य वैधानिक रूप से संपन्न हुआ है, इसमें किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं हुआ है और कहीं पर भी कानून की मर्यादा का उल्लंघन भी नहीं किया गया है। यह मैं मेरे साथ आए हुए वकीलों के और लेखापालों के सीएस के उनके सबके जांच के बाद में आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आपके सामने प्रकरण पर मुझे एक बात कहनी है, जिन लोगों ने ऐसा
आरोप लगाया है जिन लोगों ने इसी को इतना तूल देकर के पूरे देश में एक भ्रम निर्माण करने का प्रयास किया है, उन लोगों से मेरा आग्रह है, मैं अपनी ओर से तो इसे आग्रह कहता हूं, अनुरोध भी कहता हूं, प्रार्थना भी कहता हूं, लेकिन राम भक्तों की वाणी से बोलना हो तो ये चुनौती भी है। क्या आप इस परिसर में आकर के रामकोट के भीतर कहीं पर भी इससे कम मूल्य में जमीन लेकर के हम लोगों को प्रदान कीजिएगा, हम लोग उसके लिए तैयार। लेकिन इस प्रकार का भू संपादन इससे कम में अथवा इतने भी मूल्य पर करना कितना कठिन है, यह रोल कार्य करने वाले हमारे कार्यकर्ता जानते हैं। और इसलिए मैं सारे राम भक्तों को, देश के सारे राम भक्तों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस विश्वास से यह कार्य हम लोगों को सौंपा गया है, उस विश्वास को हम पूर्ण सार्थक करके रहेंगे। अभी भी नहीं हुआ है और आगे भी हम इससे भी अधिक सतर्क रहेंगे, क्योंकि